दिल्ली पुलिस ने हाशिम बाबा गैंग के एक गुर्गे को गिरफ्तार किया है। वो पूर्वी दिल्ली के शादरा इलाके में दो व्यापारियों की जासूसी कर रहा था। आरोपी के कब्जे से चार जिंदा कारतूस के साथ एक पिस्टल भी बरामद की गई। पुलिस उससे हिरासत में पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान सलीम के रूप में हुई है। वो थाईलैंड में रहने वाले एक गैंग के सरगना राशिद केबलवाला के निर्देश पर ट्रांस यमुना क्षेत्र के व्यापारियों की जासूसी कर रहा था। मैसेजिंग एप्लीकेशन के जरिए हाशिम बाबा और राशिद से लगातार संपर्क में था। बताया जा रहा है कि सलीम फरवरी में राशिद से मिलने के लिए थाईलैंड गया था। पुलिस उपायुक्त अमित कौशिक ने बताया कि सूचना मिली थी कि वेलकम इलाके का निवासी सलीम किसी से मिलने बाबरपुर बस टर्मिनल पर आएगा, उसके पास हथियार होगा। डीसीपी कौशिक ने बताया कि सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की एक टीम ने जाल बिछाया और सलीम को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान सलीम के पास से दोनों व्यापारियों के स्थान, पता और फोटो सहित अन्य जानकारी बरामद की गई। पूछताछ के दौरान उसने कई खुलासे किए हैं। बताते चले कि हाशिम बाबा का असली नाम आसिम है। दिल्ली के यमुना पार इलाके में सबसे पहले उसने गैम्बलिंग का धंधा शुरू किया। आसिम संजय दत्त की तरह बड़े बड़े बाल रखता था, उनके स्टाइल में फोटो खिंचवाता, धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की तरह बनने का सपना देखने लगा। वह यमुनापुर में फैले नासिर गैंग में शामिल हो गया। व्यापारियों को डराना, धमकाना, रंगदारी मांगना, पैसे ना देने पर गोली मार देना इस गैंग का धंधा था। आसिम संजय दत्त को अब फैन है। गोली चलाने के अपने अनोखे स्टाइल की वजह से वो हाशिम बाबा के नाम से कुख्यात हो गया। नासिर गैंग के लीडर के जेल जाने के बाद हाशिम बाबा ने उसकी कमान संभाल ली। वो गैंग जिसे नासिर ने खड़ा किया, उस पर हाशिम ने कब्जा कर लिया। जेल से बाहर आने के बाद जब नासिर को इसका एहसास हुआ, तब दोनों के बीच गैंगवार शुरू हो गया। इसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।